हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर फोर का कोर कोर्स 10 का लेक्चर 17 है। कोर्स है डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस और चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में बूलियन लॉज हम लोग कर चुके थे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस कर चुके हैं, लॉजिक सर्किट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स, मेन टर्म और मैक्स टर्म कर चुके हैं, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शंस SOP एंड POS दोनों कर चुके हैं। आज हम लोग कार्नो मैप करेंगे, ठीक है। तो कार्नो मैप में हम क्या क्या करेंगे, कार्नो मैप में पहले कार्नो मैप क्या है बेसिकली, फिर कार्नो मैप ट्रूथ टेबल से या SOP या POS फॉर्म से हम कैसे कार्नो मैप बनाएंगे, और सबसे लास्ट में होगा कार्नो मैप को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा ब्रेन फंक्शन सिंप्लीफाई, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं कार्नो मैप से। बेसिकली आपको सेकेंड लेक्चर में हमने क्या किया था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। तो जो के मैप मेथड है, ये भी एक बूलियन एक्सप्रेशंस या लॉजिक सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने का एक टेक्निक मेथड है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा वाले मेथड में जो हमने किया था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है, बट जो कार्नो मैप वाला जो मेथड होगा वो उससे आसान होगा, और जहाँ पे वो मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा वहाँ पे मेथड आसानी से आपको रिजल्ट देगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए ग्राफिकल टेक्निक और मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग एंड मैनिपुलेटिंग बूलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब इस टेक्निक में क्या है, ट्रूथ टेबल से हम के मैप बना सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या अगर हमारे पास SOP और POS फॉर्म दे रखा है लॉजिक फंक्शंस का, तो वहाँ से भी हम के मैप डायरेक्टली बना के और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेथड परहैप्स मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड टेक्निक और मेथड है सिंप्लीफाई करने के लिए, बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का सबसे ज़्यादा ये यूज्ड मेथड है, क्योंकि आसान है। इसमें हम थ्योरेटिकली n वेरिएबल तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, को सिंप्लीफाई, लॉजिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट 6 वेरिएबल्स के बाद कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो अप टू 6 वेरिएबल्स हम आराम से कार्नो मैप को यूज़ करके लॉजिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट 6 वेरिएबल में भी नहीं जाना है, आपका जो कोर्स है उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम 4 वेरिएबल तक जाना है, ठीक है। सही मैंने यहाँ लिख रखा है सारा कुछ, कि इट इज़ जनरली यूज्ड अप टू 6 वेरिएबल्स बियॉन्ड विच बिकम्स वेरी कम्बरसम, ठीक है। तो हमें तो 4 वेरिएबल्स तक ही जाना है, 6 भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके सिलेबस के हिसाब से। अब हम लोग आगे स्टार्ट बढ़ते हैं। अब हम कार्नो मैप जो होता है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए लिखते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के लिए कार्नो मैप जो होगा जस्ट उसका डायग्राम कैसा होगा वो लिख लें। तो 2 वेरिएबल्स के लिए आ जाइए, ये हमने लिखा कार्नो मैप का टेबल है 2 वेरिएबल्स के लिए। ए और बी हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, ए बी, और बाइनरी डिजिट सिर्फ 0-1 ही हो सकता है इनकी वैल्यू, ए की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बी की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो उसको इस ऑर्डर में लिखना है, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखना है, 0-1-0-1, ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, तो जो बाइनरी नंबर बनेगा वो ए बी बनेगा। मतलब इस फर्स्ट रो का जो फर्स्ट बॉक्स है अगर उसका आप नंबर देखें तो क्या होगा, 0-0। तो बाइनरी में अगर 0-0 है तो डेसिमल में भी 0 ही होगा। सेकंड का देखिए, ए को पहले लिखिए 1-0, ए पहले रखा है हमने तो ए को पहले पढ़ेंगे। सेकंड बॉक्स फर्स्ट रो का सेकंड बॉक्स का बाइनरी वैल्यू कितना हुआ, 1-0। 1-0 का डेसिमल वैल्यू कितना होता है, 2, मतलब ये इसका नंबर डेसिमल में 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसका देखिए 0-1, 0 पहले आएगा, ए पहले है तो 0 पहले आएगा, बी बाद में है तो 1 बाद में आएगा, 0-1-0-1 मतलब 1 आ गया, 0-1 का डेसिमल वैल्यू होगा तो 1 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 1-1-1-1 मतलब 3, तो ये आ गया 0-2-1-3। तो आप कहेंगे कि हम इसको डेसिमल में क्यों
क्या जरूरत है डेसिमल में एक्सप्लेन करने की, डेसिमल के कौन से बॉक्स का डेसिमल इक्विवेलेंट कौन सा होगा, क्योंकि हमने मीन टर्म मैक्सटर्म में देखा था कि आप मीन टर्म मैक्सटर्म जो लिखते हैं वो एम का जो आइथ सब्सक्रिप्ट होता है उसकी वैल्यू वही होती है जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होता है, कि मैंने आपको मीन टर्म मैक्सटर्म में समझाया था। तो अगर भूल गए हैं तो उसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, हम आगे इसके जब एग्जांपल करेंगे तो धीरे धीरे आपको अगर भूल भी गया वो याद आ जाएगा, बट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर थ्री वेरिएबल्स के लिए लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास तीन वेरिएबल्स ए बी सी हैं, तो इस तरीके से देखना है ए बी और सी, यहाँ ए बी की वैल्यू है यहाँ सी की वैल्यू, तो ऑर्डर यही रखना है 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0 1। अब अगर बाइनरी नंबर में देखें तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 0 0 मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट 1 हो गया, ये हो गया 0 1 0 मतलब 2 हो गया डेसिमल इक्विवेलेंट। बाइनरी नंबर यहाँ कितना हुआ, 1 1 0, तो 1 1 0 कितना होता है, 1 1 0 आपका हो गया, ये 1 1 0 हो गया 6। उसी से 1 0 0 कितना हो गया, 4 का डेसिमल इक्विवेलेंट, ये हो गया 0 0 1 1 हो गया, 0 1 1 3 हो गया, 1 1 1 7 हो गया, 1 0 1 5 हो गया। तो ये नंबर मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जब अलग अलग करके मैं टू वेरिएबल्स एक्सप्लेन करता करूँगा, थ्री वेरिएबल्स का एक्सप्लेन करूँगा, उसमें नंबर भी लिखूँ बता दूंगा आपको फिर से एक बार, और उसमें और भी एस ओ पी और पी ओ एस के फॉर्म के बारे में बता बात करना है। तो ये हमारा हो गया, सिर्फ आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि जिस वेरिएबल का हम लिख रहे हैं तो ए बी जो है ए वेरिएबल्स है उसका पोजिशन में वैल्यू कैसे लिख रहे हैं, इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, अब हम सिमिलरली आ जाते हैं फोर वेरिएबल में। फोर वेरिएबल में देखिए ए बी सी डी आपके पास वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी पहले नंबर बनेगा, बाइनरी नंबर बनेगा ए बी सी डी, तो ऑर्डर देखना 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। तो अब यहाँ का देखिए क्या होगा, 0 0 0 0 ही होगा। ठीक है, 0 1 0 0 ये आपका 4 हो गया, ये हो जाएगा 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 12 होता है, 1 0 0 0 4 होता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप बाइनरी और जो कन्वर्शन बताए थे कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इस नंबर को कैसे डायरेक्ट बाइनरी से डेसिमल में लिख पा रहा हूँ। तो इसी तरह से सारे रो के हर एक रो का हर एक बॉक्स का एक आपका पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है, तो और उसकी वैल्यू के हिसाब से ही हम जब एस ओ पी और पी ओ एस करेंगे तो उसका वेरिएबल के टर्म में उसको लिखेंगे, उसके टर्म में क्या होगा वैल्यू। अब यहाँ एक और बात हम बताते हैं कि कितने किसी भी बॉक्स जो हम बना रहे हैं तो कितना बॉक्स होगा या कितना सेल होगा। तो देखिए सेल का नंबर अगर आपको जानना है तो 2 का पावर करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, अगर 2 वेरिएबल्स है तो 2 का पावर 2 होगा, मतलब 4 सेल होंगे। तो देखिए 2 वाले में 4 सेल था, 4 सेल 1 2 3 4। सिमिलरली अगर 2 का पावर 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 2 का पावर 4 कीजिएगा 16 आएगा, एक देख लीजिए 4 4 हैं, 4 4 16 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्नू मैप का टेबल। अब हम एक एक करके इसके डिटेल में जाएंगे, सबसे पहले आज हम 2 वेरिएबल्स पे बात करेंगे और फिर 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स करेंगे, उसके बाद फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो अगर आपके के मैप पूरा करना है तो हर एक लेक्चर को ध्यान से देखिए, और चूंकि ये भी एक दो लेक्चर और लगेगा और ये कंप्लीट करने में मुझे लंबा है, इसलिए एक बार नहीं करना चाहता, छोटा छोटा लेक्चर बना के करना है इसे, बट आपको सारे लेक्चर्स देखने होंगे आराम से बैठ के देखिए, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया के मैप क्या है, जिस टेक्निक है एक मेथड है बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का, जैसे कि हमारा एलजेब्रा बुलियन एलजेब्रा यूज़ करके सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो उससे बेहतर टेक्निक है। ठीक है,
काम यूज़फुल है ये। और उसमें हमने के मैप लिख लिया, के मैप का जो टेबल है उसको बनाने के लिए 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल का हमने देख लिया कि टेबल कैसा होगा, कितने आपके सेल्स होंगे, कितना रो होगा, सारा कुछ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 वेरिएबल्स के एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर ईच रो ऑफ ट्रुथ टेबल, फॉर ईच मीन टर्म और फॉर ईच मैक्स टर्म, देर इज वन स्पेसिफिक सेल इन द के मैप। हर एक सेल का एक पर्टिकुलर मीन टर्म या पर्टिकुलर मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है हर एक सेल इस के मैप का। तो अब 2 वेरिएबल का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं। अब 2 वेरिएबल में आपको क्या करना है, ए बी लेना है, 0 1 0 1 इसी ऑर्डर में रखेंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि एसओपी में अगर होगा तो क्या इसका बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए एसओपी में आपको मैंने क्या बताया था, सम ऑफ प्रोडक्ट में, कि जो वेरिएबल है उसका वैल्यू ए होगा और उसका कम्प्लीमेंट जो होगा उसका वैल्यू 0 होगा। अगर ए 0 है तो ए बार, सॉरी ए अगर 1 है जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 1 होगा। सॉरी अगर देख लीजिएगा, ये जो एसओपी में है उसमें वेरिएबल का वैल्यू 1 होगा और उसका कम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 होगा। तो a 1 है तो a बार 0 होगा। सिमिलरली b अगर 1 है तो b बार 0 होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से SOP का ये वाला बॉक्स जो है, SOP का कौन सा मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेसिकली आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड SOP है, स्टैंडर्ड SOP में क्या था, जितने टोटल नंबर वेरिएबल्स हैं हर एक टर्म में उतने वेरिएबल्स होने चाहिए, पहला पॉइंट। और स्टैंडर्ड SOP का हर एक टर्म एक मेन टर्म होता है, ठीक है। मतलब तो हर एक बॉक्स में जो हमारा SOP का लिखेंगे वो एक मेन टर्म होगा, ठीक है। तो हम मेन टर्म के में रिप्रेजेंट एम के रिप्रेजेंटेशन में इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 0 0 है तो ए अप 1 है तो ए बार 0 होगा। तो ए यहाँ बी 0 है, बी भी 0 है, मतलब ए बार बी बार हो गया, ए बार बी बार, ठीक है। अब ये 1 0 है, 1 हो गया तो ए हो गया और ये बी बार हो गया। यहाँ पे क्या है 0 1 0 हो गया तो ए बार हो गया और 1 है तो बी हो गया। सिमिलरली आपका ये क्या हो गया 1 1 है तो ए बी हो गया। ये SOP रिप्रेजेंटेशन में एक मेन टर्म, आपको पता होगा कि ये किस मेन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। 0 0 ए बार बी बार, मतलब ये मेन टर्म हो गया आपका M0। मेन टर्म में अगर आप लिख रहे हैं M0 या इसको सिर्फ 0 कह सकते हैं। ये ए बी बार है, ए बी बार मतलब 0 1 हुआ, सॉरी 1 0 हुआ तो ये M2 हो गया। ये आपका ए बार 1 0 है तो 1 0, सॉरी ये 1 0 नहीं, ये 0 1 है। ये वाला पहले देखना है ना, 0 1 0 1 मतलब M1 हो गया और ये 1 1 मतलब M3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा SOP के टर्म में हो गया। अब अगर POS के टर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बार है, ए बार को वहाँ 1 मानते हैं तो यहाँ पे, और यहाँ पे SOP में सम ऑफ प्रोडक्ट लिए थे मतलब प्रोडक्ट होगा वेरिएबल्स का, और यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ सम, 2 वेरिएबल्स का सम होगा। तो हमारे पास ये 0 0 क्या होगा, 0 0 मतलब ए प्लस बी हो गया, ठीक है। 1 0 का मतलब हो गया ए बार प्लस बी, 0 1 का मतलब हो गया ए बी बार, और ये 1 1 का मतलब हो गया ए बार प्लस बी बार। इसको मैक्स टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म में M0 M2 सेम नंबर वही रहेगा M1, सिर्फ वहाँ स्मॉल था कैपिटल हो जाएगा M3। 0 0 है तो 0 होगा, 1 0 है 1 0 1 0 का मतलब 2, ये हो गया 0 1 का मतलब 1, 1 1 का मतलब 3। जिस जो बाइनरी नंबर आ रहा है उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ले। तो ये तुम्हारे पास हो गया कि 2 वेरिएबल्स
का हमने ट्रूथ टेबल देख लिया। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हैं कि इसका जो पोजीशन है वो, इसको आप लिख सकते हैं जीरो, ये हो गया टू, ये हो गया वन, ये हो गया थ्री। मतलब ये जो बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर यहाँ जीरो होगा इस बॉक्स के लिए, सेल का जो वैल्यू होगा बाइनरी उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर टू होगा, थ्री होगा, टू होगा, वन होगा, थ्री होगा। तो ये हो गया हमारा टू वेरिएबल्स का। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्रूथ टेबल लेते हैं, उसके बाद उससे हम के मैप बनाते हैं और फिर उसको एस ओ पी और पी ओ एस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, अब इससे हमको भरना है। तो सिंपल देखिए, जीरो जीरो अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या है, जीरो है, तो जीरो जीरो इस रो बॉक्स में आएगा, इसका आउटपुट क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो वन, ये जीरो है और बी वन है, इसका आउटपुट भी जीरो, ये जीरो हो गया। ए वन है, बी जीरो है, ए वन और बी जीरो, तो ये वन है, दोनों वन वन है, तो ये वन है। ये आपका ट्रुथ टेबल से कार्नो मैप वाला टेबल आ गया। ठीक है, ये कार्नो मैप का आ गया। अब इसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या होगा, अगर आप एस ओ पी भी लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ का वैल्यू देखिए ये जीरो हो गया, तो जीरो वाला वैल्यू को तो छोड़ दीजिए, जीरो का वैल्यू छोड़ दीजिए, वन वाला जो वैल्यू उसको लिखिए, वन का वैल्यू एस ओ पी में क्या था, यहाँ देखिए वन का वैल्यू एस ओ पी क्या है, ए बी बार, और यहाँ का वैल्यू क्या है, ए बी, तो ये हो गया इसका वैल्यू ए बी। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बी, ये हमारा आ गया फर्स्ट सेम ट्रूथ टेबल को हमने कार्नो मैप में चेंज किया और इसको एस ओ पी के टर्म में लिखा। अगर हम पी ओ एस के टर्म में लिखाना चाहेंगे तो जीरो वाले को ले लेंगे, और जीरो में देखिए पी ओ एस क्या था, ए प्लस बी जाएगा, ए प्लस बी प्रोडक्ट एंड लेंगे, जीरो ये है तो जाएगा ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार। तो ये हमारा लॉजिक जो ट्रू टेबल है उसे हमने कार्नो मैप बनाया, ये के मैप हो गया, के मैप हो गया, और ये आपका ब्रेन एक्सप्रेशन हो गया सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड मतलब अभी हमने ब्लूइन के मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का मेथड आपको नहीं बताया, जस्ट बिना सिंप्लीफाई किए हमारे पास ये आ रहा है, हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है स्टैंडर्ड एस ओ पी और स्टैंडर्ड पी ओ एस में आ रहा है। इसी तरह से हम थ्री वेरिएबल वाला करेंगे, फोर वेरिएबल करेंगे, फिर लॉ पे हम आएंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि के मैप में आपके पाया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर कमेंट करिए, या मेरा नंबर भी मिल जाएगा चैनल पे, तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो जब भी एग्ज़ाम हो तो मुझे अपना एग्ज़ाम का क्वेश्चन ज़रूर भेजिए, ताकि मुझे हर एक का पता चल पाए कि किस पैटर्न में आप लोग का एग्ज़ाम्स होता है। अभी पिछले बार 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो अपने यूनिवर्सिटी यहाँ के अलावा भी कुछ लोगों ने मुझे भेजा था, तो उनके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। और आप जितना आपका फीडबैक मुझे मिलेगा मैं उतना इम्प्रूव कर पाऊँगा, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो आप चैनल को स्प्रेड कीजिए लोगों के बीच और फीडबैक अपना देते रहिए। अगर आप चैनल देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करिए क्या अच्छा लगा, क्या और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, इस वजह से मैं बहुत रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, बट आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ। बीच में गैप हो जाता है, एक दिन का टाइमिंग भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैनेज हो जाए, ढेर सारे वर्कलोड की वजह से दिक्कत है थोड़ी सी, बट आगे से कोशिश, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो हमेशा अपलोड होते रहे आप लोगों का। अभी सेमेस्टर फोर और टू और सिक्स ये चल रहे थे, तो सिक्स का मेरा थोड़ा बाकी है, उसे कंप्लीट करूँगा, एक चैप्टर बाकी है, फोर का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जो बाकी वो कंप्लीट करेंगे, फिर सेमेस्टर टू का भी थोड़ा बहुत बाकी है, उसे कंप्लीट करने के बाद जब ये टू फोर सिक्स का हम कंप्लीट कर देंगे, प्रॉब्ली कोशिश मेरी यही है कि नवंबर स्टार्ट होने के पहले ही ये सारी जो टू फोर सिक्स है वो कंप्लीट करके फिर सेमेस्टर वन
स्टार्ट करेंगे और फिर से जो 1 3 5 चलेगा, बट फिलहाल भी देखते हैं कितना दूर तक हम जा पाते हैं इस नंबर इन छुट्टियों में। चलिए, ओके, थैंक यू।